साहस सरोकार। कौशल किशोर बोले, अखिलेश का क्या संबंध है जो विरोध कर रहे हैं? बयानबाजी से ही मायावती की सिर्फ एक सीट बची। पुलिस ने झुठलाया एनआईए की छापेमारी के विरोध में, कलेक्ट्रेट ऑफिस पर हो रहा था प्रदर्शन। ऋषिकेश एम्स के बाहर भारी भीड़, आरोपी की रिसोर्ट फैक्ट्री तबाह। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में टेलर सर्कुलेशन मामले में एक्शन, इंटरपोल से मिले इनपुट्स। तीस सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में चार नाम सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संबोधन सीएम योगी ने किया। इस दौरान सीएम प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मौजूद रहे और संबोधित करते हुए कहा कि यूपी से अपराध मुक्त हो गया है और कार्य तेजी से हो रहा है, और कहा कि ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी, मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहाँ प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी किया, और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है। आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे, और उसका अच्छा दाम मिले इसको भी सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 28 सितंबर को फरुखाबाद में कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। इस कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण डीएम एसपी ने किया, जिसके तहत हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग कराने और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम दहेलिया में बने अमृत सरोवर तालाब का शुभारम्भ करेंगे, साथ ही जन चौपाल लगाकर फरियादों की समस्याएं सुनेंगे। बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी करार गैंगस्टर जावेद की करीब 1.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने जावेद के आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि ये अवैध प्रॉपर्टी गैरकानूनी कार्यों से बनाई गई थी, जिसे डीएम के आदेश पर जब्त कर ली गई है। एसडीएम और सीओ की अगुवाई में गैंगस्टर जावेद की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आज जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन में अभियुक्त जावेद उर्फ जावेद पुत्र जमालुद्दीन, जो निवासी है ग्राम चिड़ावक थाना गुलाबटी, परंतु हाल में हमारे यहाँ कस्बा स्याना में मोहल्ला कैथवाला पट्टी मुसलमान कस्बा स्याना में रह रहा था, जिसपे जो है अपराध कारित कर जो भी संपत्ति अर्जित की गई थी उसे धारा 14(1) में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किया जा रहा है। अयोध्या में मुख्यमंत्री के समर्थक के बनाए गए योगी मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मंदिर को बनाने वाले के सगे चाचा ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजा है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकारी बंजर जमीन को कब्जा करने की नीयत से ये मंदिर बनाया गया है। इस आशय में एक पत्र जिलाधिकारी को भी भेजा गया, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। मामला भैया ऐसा है कि आजा बाबा पेड़ लगाए रहे हैं, आम का 3 पेड़ रहा और 4 थाला कोट वो का बेच के और साल भर पहले मंदिर बनाए, अब की योगी जी का प्रतिमा रख दी है। तो
दादा ये जमीन जो बता रहे हैं ये क्या, कैसी जमीन है, क्या है ये? बंजर है। अच्छा, इसकी शिकायत? बंजर है ये, सरकारी जमीन, सरकारी। लखनऊ में वाणिज्यिक उत्पाद और उनके पैकेट या रैपर पर देवी देवताओं के नाम पर और उनकी छवि का उपयोग प्रतिबंध करने से संबंधित संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि ऐसे काम से सभी की आस्था को चोट पहुंचती है, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार की ओर से समुचित विचार करने का आश्वासन दिया है। से मैं इस सदन को सुनिश्चित मत है कि वाणिज्यिक उत्पादों तथा उनके पैकेट ऑब्लिक रैपर आदि पर देवी देवताओं के नाम व उनकी छवि का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए, यह प्रस्ताव रखता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, देवी देवताओं का चित्र और उनका नाम हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और ये बड़ा विषय है, क्योंकि तमाम उत्पाद ऐसे हैं जहां पर मादक पदार्थ, गणेश छाप बीड़ी, गणेश छाप गुटखा लोग उपयोग करने के बाद उन्हें जमीन पर डाल देते हैं, वॉशरूम में डाल देते हैं, जहां पर उन देवी देवताओं की छवि को देखकर मन दुखी होता है और हमारी आस्था को चोट पहुंचती है। औरैया जिले के फम्फू थाना क्षेत्र में पुलिस को गांव में कुछ लोगों के गोकशी करने की सूचना मिली, जिसके बाद कई थानों के पुलिस फोर्स सहित डिप्टी एसपी सहित एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर गायों के अवशेष बरामद किए गए, साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाने की भी अपील की गई। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के साथी की तलाश में जुट गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी गाँव में जमीन कब्जा कर ऐसे काम को अंजाम दिया करते हैं। गाय काटी गई है, फट पकड़े गए, गाय को गोश्त पकड़ो, गौ टुकड़ा पकड़े गए, खाल पकड़ी गई, सब पकड़ी गई मौका पे, गड्ढा में दबी है, कुछ गड्ढा में दाबी है। कौन लोग हैं ये लोग? जो मुसलमान नट। कितने दिनों से रह रहे हैं ये? पहले हैं थोड़ी गहरे थे, अब तो बहुत बाहर गिर रहे हैं। यहाँ थाना पपनू के ग्राम सलेमपुर डेरा में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा गौकशी की जा रही है। उसी सूचना पर थाना पुलिस और वहाँ के क्षेत्र अधिकारी जो है मौके पर पहुँचे, जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों द्वारा जो है वो गौकशी की जा रही थी और मौके से करीब एक बोरा गौमांस बरामद हुआ है। लगातार बारिश से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है, जिसका असर साफ तौर पर किसानों पर देखने को मिल रहा है। किसानों की मेहनत से की हुई खेती तालाब में तब्दील हो चुकी है। इस क्रम में अलीगढ़ निवासी एक किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक हुई बारिश से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर में गंगा किनारे पर जल निगम ने करोड़ों खर्च कर एक ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया है। पूरे कस्बे में सीवर लाइन बिछी हुई है, कुछ दिनों में ही सीवर लाइन फेल हो गई, जिसके बाद से कस्बे का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता है। खासकर बारिश के मौसम में पानी और तेजी से ओवरफ्लो होकर बहता है, जिससे ट्रीटमेंट प्लांट का गंदा पानी सीधा गंगा में डाला जाता है। कई बार आला अधिकारियों से शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। स्मार्ट सिटी दिल्ली के बल्लमगढ़ की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जहां लगातार बारिश ने नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के दावे को फेल कर दिया है। विकास कार्यों का कुछ पता नहीं चल रहा है, सड़कों पर चारों तरफ पानी ही नजर आ रहा है और ऐसा नुकसान काफी समय से होता आ रहा है, जिसके चलते दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर प्राइम टीवी के संवाददाता मनोज सूर्यवंशी का ग्राउंड जीरो पर गढ़ की सब्जी मंडी में तस्वीरें आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की स्मार्ट मंडी है ये। इसे देख तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर में दो दिन से लगातार जो बरसात हो रही है, उसको चलते शहर की जो तमाम सड़कें हैं
तमाम जो गलियां हैं वो कहीं ना कहीं जलमग्न हैं। आपको दिखा दें कि सब्जी का जो कट्टा है वो कहीं ना कहीं पानी में बहता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीर देख सकते हैं आप, चारों तरफ ये सब्जी मंडी है जो बल्लमगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जाना जाता है। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग सुबह जो सब्जी लेने यहाँ पर आते हैं और उसके बाद अपना दिनचर्या उनका शुरुआत होता है। जिस तरह से देखो स्कूटी आदि डूबी हुई है, ये फरीदाबाद की मंडी है। और आड़तियों की दुकान भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से सभी आड़तियों ने दुकान बंद कर रखी है कि पिछले दो दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानिए कितनी दिक्कतें यहाँ पर उनको आने में हो रही है, क्या कहेंगे वो। क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन जी, क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत है भाई, देखो पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ से पानी भर रही है भाई? बरसात हो रही है इसकी वजह से। तो क्या पानी निकासी का कोई बूस्टर यहाँ बराबर बना हुआ है क्या? कोई निकासी बना हुआ है भाई यहाँ पे? तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है पानी निकासी के लिए बरसात से पहले, और क्या कहेंगे उसको लेके आप? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, तो सरकार कह सकती है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। जी कहाँ आ रहे हो, क्या लेने आए थे आप? सब्जी लेने आए हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? सब्जी नहीं है, चारों तरफ पानी 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 दिख रहा है, सब्जी तो अभी कुछ नहीं दिखी है। तो कितनी परेशानी है, छोटा बच्चा है आपके साथ? बहुत ज्यादा दिक्कत है, काफी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। कौन सी मंडी है ये? बल्लमगढ़ की मंडी है। सब्जी लेने आप आए थे? हाँ। तो यहाँ तो सब पूरी मंडी बंद पड़ी है, क्या कहेंगे आप? अब देखो कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे घर वापस। और कुछ युवा हमारे साथ हैं जो खाना लेके आए हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? सर यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, 3 दिन में सबके रोजगार पिटे पड़े हैं, हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, सबकी लोग बाहर आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, परेशान हो रहे हैं लोगों के घर में खाने के लिए सब्जियाँ नहीं है, सब्जी कहाँ से लेंगे, पानी भरा पड़ा है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, इस तरह से स्मार्ट है कि चारों तरफ जलमग्न मंडी हुई पड़ी है, क्या कहेंगे? यहाँ पे भी सिविल लाइन लगे पड़े, लेकिन मार्केट कमेटी वालों की लापरवाही है, सिविल लाइन खराब पड़े हैं, उनको ठीक नहीं करवाते, थोड़ा बहुत नगर निगम की भी कमियाँ हैं। क्या बरसात से पहले सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है पानी निकासी के लिए, क्या कहेंगे उसको लेकर? खर्च किए होते तो पानी नहीं भरता यहाँ पे। मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है, मैं इस बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से तीसरी योजना से रेगुलर प्रधान हूँ। और बारिश के चलते हुए आप हालात देख रहे हैं जो भी है मंडी में, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं सरकारी, उनके पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। प्रधान जी, विकास की अगर बात की जाए तो मंडी में पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी, अब मंडी में कोने कोने पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ना पिए तो गंदा पानी भरा हुआ, बारिश का पानी है, पीने का पानी तो आज भी नहीं है, पिछले 16 साल से मंडी कटी हुई है, 20 साल से आज तक पानी नहीं है पीने का मंडी में। तो बरसात से पहले करोड़ों रुपए खर्च पानी निकासी के लिए किया जाता है, क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए का खर्च है, बूस्टर लगा हुआ है, लेकिन जब बरसात हो जाती है तो बूस्टर या तो मोटर खराब हो जाती है या फिर डीजल खत्म हो जाता है इनके पास में। इतने मंडी प्रधान जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश मूसलेधार बारिश हो रही है उससे काफ़ी परेशान हैं, और सभी आड़तियों ने अब 2 दिन से काम ठप कर दिया है, जिसके लेकर काफ़ी परेशानी आड़तियों को हो रही है, सब्जी नहीं बेच पा रहे और मंडी में बूस्टर बना दिया गया है, पर बात की जाए तो करोड़ों रुपए खर्च कर बूस्टर को बनाया है और अभी तक इस पानी निकासी का जो समाधान है वो नहीं हो रहा। फरीदाबाद से प्राइम टीवी के लिए मनोज सूद। बड़ी खबर रायबरेली जनपद के सरेनी सीएससी से है, जहां एक युवती का सीएससी सरेनी से उपचार चल रहा था जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के भाई ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही से युवती की मौत हो गई है। बोला मुझे पर्चा दिखाओ, पर्चा मैंने दिखाया व्हाट्सएप से, बोला हाँ ये बना के दिया, ये पर्चा बना के दिया जी, वापस बना के दिया कि बाहर बैठो जाके, अभी बाल का दवा मिले, दवा देने वाले यहाँ पे नहीं है। रायबरेली में छात्र की आत्महत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है, इस मामले में कोई कार्यवाही न होने से नाराज एवीपीसी के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ सदर और सिटी मजिस्ट्रेट ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। वहीं छात्रों का कहना है कि पुलिस प्रशासन मामले में लापरवाही कर रही है, साथ ही जिला प्रशासन का कहना है कि एवीपी के आरोप निराधार है, मामले में लगातार जाँच जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक छात्र ने नकल करते पकड़े जाने पर आहत होकर आत्महत्या कर
वाली थी, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि स्कूल में उसके साथ मारपीट हुई, जिसके चलते बच्चे ने आत्महत्या की है। आज एबीवीपी रायबरेली की तरफ से जो एक विद्यालय है सेंट पीटर्स, यहाँ पे एक कक्षा 7 का छात्र यश कुमार, जिसको विद्यालय प्रशासन द्वारा धर्म परिवर्तन के दबाव को देकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, उसी से पीड़ित होकर वो छात्र आज कल आत्महत्या करके अपनी जान गंवा चुका है। आज एबीवीपी रायबरेली की तरफ से इस विद्यालय का घेराव किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में संस्कार भारती ने लोहिया भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीएस वेलकोनी डांस ग्रुप का बेस्ट डांस के लिए सम्मानित किया है, जिसके बाद डीएम ने डांस ग्रुप को सम्मानित किया, जिसमें टीम निर्देशक को कला साधक सम्मान से नवाजा गया। वहीं आयोजक की देखरेख में सम्मानित होने के बाद संस्था प्रबंधक ने सभी युवा कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से निकलकर एक बच्चा आज प्रदेश में अपना नाम बना रहा है। कई शोज में वो डांस के शो में वो पार्टिसिपेट कर चुका है, और इसको देखते हुए उसके माता पिता उसके पीछे उसके काम में लगे हुए हैं, उसको बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक त्रिपाठी और उनके माता पिता और उनकी बहन हैं। इनका अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में ये कई शोज में पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें ये जीते भी हैं। कार्तिक, हमें ये बताएं कि डांस सीखने का आपका मन कहाँ से आया और कब से आप डांस कर रहे हैं? मैं बहुत दिन से डांस कर रहा हूँ और मैंने टीवी में देखा था। आप अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड। आगे चल के आपको डांस में कहाँ तक आप सोचते हैं कि जाएं और क्या क्या चीज़ों को आप कर रहे हैं? मैं कुछ मतलब डांसर बनना चाहता हूँ। डांसर बनना चाहते हैं, और इसमें ये बताएं कि आपको मम्मी पापा आपकी मदद करते हैं कि आप आगे चलकर एक बढ़िया नृत्य करें और अपनी पहचान बनाएं? जैसे कई सारे एक्टर हैं, कई सारे डांसर हैं जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से मम्मी पापा भी मदद करते हैं। मम्मी पापा मदद करते हैं, अच्छा। इनके पापा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें और हमें ये बताएं कि आप अपने बेटे से क्या आशा अपेक्षा रखते हैं और इसके पीछे क्या तैयारियां की जा रही हैं? हमारा नाम रवि तिवारी है, अकबरपुर अम्बेडकर नगर से आए हैं, और ये बच्चा जो है मतलब कहीं भी म्यूजिक बजता है तो डांस करता हमने देखा, तो हमको लगा कि इसकी रुचि उसमें है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा आगे बढ़े। अच्छा, अभी बच्चे की जहाँ तक उम्र मैं जान पा रहा हूँ कि 7 से 8 साल होगी, तो हमें ये बताएं कि 7 से 8 साल के बच्चे को आप आगे चल के क्या बनाना चाहते हैं और इसके पीछे क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या इसे किसी डांस एकेडमी में आप दाखिला कराने वाले हैं? जी, यहाँ अकबरपुर में एक डांस है, क्लास चलता है वहाँ पर, तो हम भेजेंगे, तो ये बच्चा आगे जाएगा, हम यही चाहते हैं। अच्छा, आगे चल के इसे क्या बनाना चाहते हैं? आगे चल के हम सोच रहे हैं कलाकार बने, डांस करें अच्छा, और अपना और अपने जिले का नाम रोशन। अच्छा, साथ साथ जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। इनकी माता जी हमारे साथ हैं। हमें सबसे पहले आपका नाम बताएं और ये बताएं कि आपका बच्चा जो आमतौर पे देखा जाता है, जो गार्जियन होते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा का जो रुचि है वो इन सब बच्चों से अलग हट के है, तो इसको कैसे देखती हैं और इसके पीछे आप क्या तैयारियाँ कर रही हैं? मेरा नाम है शालिनी त्रिपाठी, और ये शुरू से बचपन से ही डांस करता था, तो हमें भी अच्छा लगा, इसलिए हम भी इसको डांस में भेजना चाहते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर देखा जाए तो ये कोई प्रैक्टिस भी घर में करते हैं क्या? आप इनके साथ इनको कुछ टीवी पे या फिर जो तमाम माध्यम है उसके द्वारा आप इन्हें इनके गुरु बन के भी आप काम करती हैं? जी, ये अभी करीब 2 महीने से डांस सीख रहा है, इसके पहले घर पर टीवी में देखता था, टीवी मोबाइल में। जी, अच्छा, हमें ये बताएं कि आप डांस कर रहे हैं तो आपका फेवरेट कौन सा डांस है? काला चश्मा। काला चश्मा में हमें ये बताएं कि इसके अलावा जो डांस में होता है तो आमतौर से देखा जाता है कि आपकी उम्र अभी छोटी है, और देखा जाए तो क्या इससे आपके शारीरिक पे कुछ असर आ रहा है या फिर आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, हैबिट हो गई आपको? मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो हमारे साथ कार्तिक त्रिपाठी थे, उनके माता पिता थे जो अपने जिले से निकल कर आज प्रदेश में भी नाम बना रहे हैं और डांस में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं, और साफ तौर से अगर देखा जाए तो इनके माता पिता इनके पीछे लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दिन ये देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ।
ग्रेटर नोएडा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश से आम जनजीवन व्यस्त हो गया है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं बारिश के चलते कई मकान भी गिर गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रात को 9:30 बजे के करीब हम भीतर सो रहे थे, बारिश ज्यादा पड़ रही थी, जब ऐसी अग्गास आया और तड़ेर सी आई दीवार में, तो हम अचानक एकदम उठ के देखो तो दीवार में तड़ेर सी आई, तो सारे हटने लगी दीवार। फिर हमने एकदम तुरंत बाहर भागने की कोशिश करी, हम लेकर तो गए पर दीवार एकदम पलट गई। पलटने के बाद जब देखा तो सगड़ी गिर गई, छत भी गिर गई, गाटर पटिया सब टूट गए। खबर सीतापुर के लहरपुर से है, जहां सेवा ई रिक्शा यूनियन महामंत्री के नेतृत्व में भारी संख्या में ई रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि बस यूनियन के मैनेजर अक्सर ई रिक्शा चालकों से मारपीट धन करते हैं और धन उगाही करते हैं और बेवजह परेशान करते हैं। सीतापुर में इंटर की छात्र ने स्कूल में प्रिंसिपल को 3 गोलियां मारी। वहीं चौथी गोली तमंचे में लोड कर रहा था, तभी फायरिंग की आवाज सुनकर टीचर्स और छात्र छात्राएं वहां आ गए। ये देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। प्रिंसिपल की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को स्कूल में मारपीट करने पर आरोपी छात्र को प्रिंसिपल ने डांट दिया था, इस बात से वह नाराज था। छात्र फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। ये कल एक गुरविंदर सिंह लड़का है, जगपति का नाम है जगविंदर सिंह। तो ये लड़का आज गेट पास आया और हम विद्यालय आए थे, मिस्त्री काम कर रहे थे, तो ये क्लास चला गया। उसके बाद आया ये कार पर थे, ये फायरिंग चालू कर दिया। अच्छा। हम वहाँ से भागने लगे, फील्ड में गए, बच्चे 4-5 बच्चे थे उसमें, तो वो बच्चे भी बचाने के चक्कर में रहे और ये फायरिंग करता रहा, उसको पकड़ लिया। उसके बाद अपना वो असलाह लेकर के भाग। आज सुबह लगभग 7:15 एक सूचना हमारे थाने पर प्राप्त हुई कि एक इंटर कॉलेज है जहांगीराबाद में, वहाँ के प्रिंसिपल श्री राम सिंह वर्मा जी हैं, वो अपने कॉलेज में बैठे हुए थे, उन्हीं का छात्र गुरविंदर सिंह है, उनको आके गोली मार दिया है। मौके पर हमारी पुलिस गई, जानकारी ये हुई कि वो जो गुरविंदर सिंह है उन्हीं के विद्यालय में पढ़ता है, वो 12वीं का छात्र है, और कल 2 बच्चों में जो एक रोहित सिंह मौर्या है और एक गुरविंदर है, ये दोनों फिजिक्स के छात्र हैं। कल प्रैक्टिकल के चार्ट के लेन देन को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था और उसी की शिकायत रोहित सिंह वर्मा ने जाकर के प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा से किया था। अमेठी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर पीएससी सेंटर बनवाए गए हैं, लेकिन पीएससी सेंटर में मौके पर चिकित्सा अधीक्षक, फार्मासिस्ट और स्वीपर के मौजूद न होने के चलते इलाज के लिए आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल को उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने गोद ले रखा है, इसके बावजूद भी जनता के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आ रहे हैं अब हमारे नाती की इतना तेज बुखार था 105 डिग्री, और यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स आती है। अगर जब पता लगाया जाता है तो ये पता लगता है कि ऑनलाइन छुट्टी पर गई है वो। अरे हम छोटा आ गए नहीं, आप लोग कहाँ जाएंगे? भाई आप दूरी जाए हो, का जगदीशपुर बेटल कहूँ कौन से जावे करे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।